उज्जैन जिले के आगर में निवास करने वाले आशीष सूर्यवंशी के मोबाइल पर एक बाबा का फोन आया। उसने कहा, मैं नोटों की बारिश करता हूं, और बाबा की मीठी मीठी बातों में उक्त युवक आ गया। युवक और उसके साथ ही उज्जैन में आकर बाबा और उसकी महिला दोस्त से मिले, नोटों की बारिश होने का डेमो देखने की इच्छा जताई। आगर से आए हुए युवकों को बाबा और उसकी महिला मित्र ने कहा, पहले राशि लेकर आओ, जिसके चलते जगदीश घर से करीब 5,50,000 रुपये बैग में रखकर उज्जैन पहुंचा, जहां बाबा ने शिप्रा नदी किनारे पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करना शुरू किया और युवक आशीष को पूजा करने के लिए शिप्रा नदी में उतार दिया। उसी दौरान बैग गाड़ी में रखकर महिला तांत्रिक बाबा और उसका एक अन्य सहयोगी तीनों रफू चक्कर हो गए। नदी के अंदर खड़ा युवक आशीष घबरा गया और महाकाल थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत की। महाकाल पुलिस ने बाबा और उसकी सहयोगी महिला और एक सहयोगी युवक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और तीनों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।